हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जब भी हम किसी अकाउंट को देखते हैं या फिर हमने अपनी पासबुक ही देखी हो तो हमें दो चीज़ जरूरी देखने के लिए मिलती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अब यार, ये पूरे पढ़ाई से लेकर के प्रैक्टिकल तक अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी भर अगर आप कॉमर्स में रहेंगे तो डेबिट क्रेडिट ही देखते नज़र आएंगे। और आज इस डेबिट क्रेडिट का जो माजरा है, क्या है ये सब डेबिट क्रेडिट, जिससे हम डेली बहुत सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, तो आज इस वीडियो में हम जान लेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है ये डेबिट क्रेडिट। तो गाइस, डेबिट और क्रेडिट दो टर्म है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं और वो दो पार्टी एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। डेबिट को DR से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एब्रिवेट है, शॉर्टकट में इसे DR लिखते हैं। और आपने पासबुक में देखा होगा, एक तरफ डेबिट होता है और उसी के बाद एक क्रेडिट साइड में CR लिखा होता है, DR और CR। तो DR CR आप समझिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट की। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक अकाउंट में यूज़ की जाएंगी। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक एंट्री या एक ट्रांजैक्शन में कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट जरूरी ही होना होगा। यानी एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट एक ही एंट्री में, एक ही ट्रांजैक्शन में होगी ही होगी, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। मैंने भाई किसी से ये मार्कर ख़रीदा है, तो मैंने मार्कर ख़रीद लिया, यानी मेरे पास मार्कर आया है और किसी दूसरे के पास पैसा भी गया होगा, तो यहाँ दो पार्टीज हो गई समझिए। तो डेबिट और क्रेडिट का चक्कर ऐसा ही है कि एक के पास आ रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, तो आने वाला और जाने वाला दो पार्टी हैं, डेबिट क्रेडिट होंगी ज़रूर। ठीक है, कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी ये आने वाली वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा, यानी ये एक एक्साइटमेंट रहेगा आपके लिए आने वाले समय में। लेकिन अभी जानना ज़रूरी है, दो पार्टी होती है, डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। डेबिट जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे, इनको TSAP अकाउंट कहते हैं, तो ये अकाउंट इस टाइप का होता है, तो ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शन में ये दोनों की दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं। एक ट्रांजैक्शन के दो फेवर होते हैं, डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, और सेम अमाउंट का होगा। 10 रुपये का मार्कर है या 20 रुपये का मार्कर है, तो 20 रुपये का मार्कर मैं अपने यहाँ दिखाऊँगा और दिखाऊँगा साथ ही साथ कि उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को मैंने 20 रुपये दिए हैं। तो 20 रुपये का मार्कर इधर आया, 20 रुपये मेरे इधर चले गए, एंट्री इक्वल है। ये नहीं कि आप इसमें कुछ भी फ्लक्चुएट करेंगे, तो ये बात भी समझिएगा। ऑल डेबिट अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट के लेफ्ट साइड में हमेशा डेबिट एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं और अकाउंट के राइट साइड में हमेशा क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। यह कभी कभी डेबिट और क्रेडिट जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी शो करती हैं। इंक्रीज यानी कि बड़ा करके दिखा, बड़ा और घटा हुआ, इंक्रीज हो रहा है कुछ या डिक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट और क्रेडिट। सपोज़ कीजिए आपके बैंक में पैसा है और आपने पैसा जमा किया है, तो आप समझ जाइए क्या हो रहा होगा, वहाँ पे पैसा जमा हो रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ अभी आप नहीं बता पाएंगे कि वहाँ पर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। जब आप ये रूल समझ जाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि डेबिट की वजह से इंक्रीज़ हुआ है या क्रेडिट की वजह से। तो गाइस, ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, ये आपको समझने हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में ये दोनों के दोनों होते ही हैं, एक ही ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। डेबिट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में अकाउंट के शो किया जाएगा और क्रेडिट हमेशा राइट साइड में अकाउंट के शो किया जाएगा। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री होगी ही होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
तो गाइस अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कितने ज़रूरी है, क्योंकि पूरे जीवन भर हम ये डेबिट क्रेडिट में ही लगे रहेंगे। तो गाइस अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।